देश में जब से कोरोना का प्रवेश हुआ तब से देश के सभी स्कूलों की मानो मोबाइल पर ही आ गई है। कोरोना नियमों को देखते हुए सभी स्कूल ऑनलाइन हो गई है और ना चाहते हुए भी लोगों को अपने बच्चों को मोबाइल के स्वाधीन करना पड़ रहा है। अब समय ऐसा आ गया है कि बच्चे मोबाइल के दीवाने हो गए हैं। इसके अलावा अब उनको कुछ भी नजर नहीं आता, कुछ भी बोलो तो गुस्सा तो नाक पर होता है। ऐसा एक मामला शहर के कपिल नगर थाना क्षेत्र में सामने आया है। एक 14 वर्षीय लड़की ने मोबाइल ज्यादा इस्तेमाल करने पर पापा के डांटने पर घर छोड़ दिया। लड़की के पापा ऑनलाइन पढ़ाई के लिए उसे फोन दिया था लेकिन पढ़ाई के बाद भी ज्यादातर समय वो अपने मोबाइल पर ही रहती थी। दो चार बार पापा ने उसे फटकार लगाई। पापा के फटकार से गुस्साए लड़की ने किसी को भी न बताते हुए घर छोड़ दिया। बेटी घर पर न दिखने पर परिवार के लोगों ने परिसर देखना शुरू कर दिया मगर वो न मिली। आखिरकार परिवार ने हताश होकर कपिल नगर थाना में शिकायत की। पुलिस ने शिकायत पर जांच शुरू की तो लड़की अपनी मौसी के घर मिली। उससे पूछताछ करने पर उसने पूरी हकीकत बताई, कहा कि पापा के फटकार से तंग आकर उसने ये कदम उठाया है। साथ ही उसके पास मोबाइल फोन न होने से वो किसी से भी संपर्क न कर पाई। पूरी जांच कर कपिल नगर पुलिस ने बच्ची को उसके परिवार को सौंप दिया। कपिल नगर आदि मध्ये समता नगर या ठिकाणी राहणारे एक फिर्यादी यांनी पोलीस स्टेशनला तक्रार दिली होती काल रात्री। इथे त्यांची मुलगी घरामध्ये मोबाईलमध्ये गेम खेळत असताना तिच्या वडिलांनी तिला रागवलं गेम खेळू नको म्हणून। त्याचा राग मनात धरून ती अचानक घरातून निघून गेली होती, कोणाला काही नाही सांगता। सोबत ती मोबाईल घेऊन गेली होती परंतु तिचा मोबाईल स्विच ऑफ होता। त्यानंतर मी पोलीस स्टेशनला तक्रार दिली त्यांनी की मुलगी मिळून येत नाही म्हणून। त्यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून पोलीस स्टेशनला उपलब्ध नाही, रात्रीचा रात्र पाहिजे स्टाफ होता, त्यांनी मुलीचा शोध घेतला परिसरामध्ये परंतु मिळून आली नव्हती। त्यानंतर तिच्या सर्व मैत्रिणी मित्र यांचा परिसरामध्ये शोध घेतला तरी देखील मुलगी मिळून येत नव्हती त्यांची। त्यानंतर माहिती काढून नंतर त्यांनी तिचं लोकेशन ट्रेस केल्यानंतर मुलगी पाच पावले या ठिकाणी असल्याचं समजलं। मग मुलीच्या नातेवाईकांना घेऊन आम्ही पाच पावले या ठिकाणी परिसर तिच्या नातेवाईकांकडे शोध घेतला असता मुलगी तिच्या मावशीकडे मिळून आली। त्यानंतर तिला आम्ही पोलीस स्टेशनला घेऊन आलो आहोत, सर्व कायदेशीर पूर्तता करून मुलीला आईवडिलांच्या ताब्यात देण्यात आलेला आहे।